न्यू वीडियो शूट करने के लिए मैं आ चुका हूँ गुवाहाटी। यहाँ पे हो रहा है बारिश। आज का जर्नी होने वाला है गुवाहाटी से नहरगांव विस्टाडोम में। चलिए चलते हैं स्टेशन की तरफ। एक 45 में छोड़ने का टाइम है, तो चलिए। यह है रहा स्टेशन। पल्टन बाजार के तरफ से मैं जा रहा हूँ। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। वेदर बहुत ही अच्छा है, बारिश हो रहा है और मेरा ट्रेन जस्ट नीचे ही खड़ा हुआ है, गुवाहाटी नहरलगन। फिर पहुंच चुके हैं। मेरा सीट कौन सा है देखना पड़ेगा, वेटिंग था। कंफर्म सीट तो पाई से देखी, 8 नंबर वाले पाए जाए सीट नंबर टू देखी। ट्वेंटी फोर विंडो सीट। ये इसका किचन रूम और यहाँ से नज़ारे देखने मिलेंगे दोस्तों। यहाँ से रंगिया तक, रंगिया से ये इंजन फिर से पीछे लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, गुवाहाटी से नहरलगन का जर्नी होने वाला है 332 किलोमीटर का 7 होल्ड में, और टाइम लगाएगा 6 आवर का जर्नी 7 होल्ड में गुवाहाटी टू नहरलगन। ये शाम को 1:45 में यहाँ छोड़ेगा, वहाँ पहुँचेगा 6:40 ऑलमोस्ट 7 बजे, नहीं 7 कुछ में 7:20 में। जर्नी में बने रहिएगा दोस्तों, अगर जर्नी में आप लोग नहीं बने रहिएगा तो मज़ा नहीं आएगा वीडियो करने में, बने रहिएगा। घुमा के आप ऐसे बैठ सकते हैं, ऐसे 360 डिग्री फोल्ड, आप ऐसे करके ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे भी, ये ऐसे भी फोल्ड हो गया, देखिए ऐसे, फिर इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं। इसमें टेबल भी दिया गया है, आप ऐसे निकालिए, ऐसे रखिए, ऐसे कीजिए, ये बन गया आपका खाने का टेबल। फिर ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे घुसाइए, ये घुस गया चार्जर, आपको नीचे की तरफ देखने मिल जाता है चार्जर, ऊपर कहीं चार्जर नहीं है। चलिए बात कर रहा हूँ, कर्टन्स भी इसमें दिया गया है, ये देखिए, आप चाहे तो कर्टन्स भी उतार सकते हैं। सब फैसिलिटी दिया हुआ है। गुवाहाटी बॉर्डरपुर और गुवाहाटी नहरलगन दोनों एक ही कोच शेयर करता है, एक ही रेयर, 3 चेयर का, 1 एग्जीक्यूटिव क्लास, बस सेम। जिस दिन बॉर्डरपुर जाता है उस दिन ये नहरलगन नहीं जाता, क्योंकि एक ही कोच शेयर करता है। आज ये नहरलगन जा रहा है, कल फिर वहाँ से बैक करेगा, परसों को फिर ये बॉर्डरपुर को चलेगा, 1588 होके चलेगा। ये चेयर कार का कुछ ऐसा दिखता है इंटीरियर,
क्या कुछ भरा हुआ है, सीट तो खाली है। थ्री बाई टू एक्सिटी प्लस टू बाई टू में इसका स्टॉपेज तो है नहीं, टाइम रुक सकता है। ऐसे कामाख्या में स्टॉपेज है नहीं।
यहाँ से नज़ारा देखिए दोस्तों। शुरुआत का पहला खाना सूप दिया जा रहा है, राइस सूप दिया जा रहा है। खा के बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। और हाँ, इस ट्रेन में जो फेयर लिया है 1390 रुपये गुवाहाटी से नाहरलगुन, इसमें इंक्लूडेड है। जैसे गुवाहाटी टू बदरसू का जर्नी हुआ था उसमें इंक्लूडेड नहीं था, भाड़ा इतना ही लिया गया था, बट उसमें इंक्लूडेड नहीं था, उसमें अलग से आपको लेना पड़ता था। पर खाना अच्छा है उसमें, ख़राब नहीं है, ठीक है। इसमें देखते हैं कैसा है। 275 रुपीज़ का तीन चार्ज लिया गया है, तो देख लेते हैं एक बार कैसा है। ये स्टिक दिया हुआ होगा, देखते हैं। ये स्टिक सूप और साथ में क्वार्टर, ठीक है। चलिए तो आके आप लोग से फिर बात करते हैं, फिर वीडियो करते हैं, ठीक है। गाइस, लंच सर्व कर दिया गया है। पनीर, चावल, आलू का भुजिया, पिकल, दाल, रोटी और ये दही सुधा का लंच में ही है। और एक पानी का बोतल दिया गया है। इधर रैया स्टेशन भी घुस चुके हैं हम लोग, एकदम नाइट टाइम। वहाँ गुवाहाटी बारमेर खड़ा हुआ है, गुवाहाटी से बारमेर जाने के लिए गुवाहाटी बारमेर एक्सप्रेस। डेकर का हो गया, डेकर का हो गया, पैसेंजर खड़ा हुआ है इधर। यहाँ से इंजन होगा चेंज, आगे लगेगा। चलिए कहीं आ चुके हैं, लंच फिनिश करते, फिनिश करके आप लोगों को बताते हैं कैसा था टेस्ट वगैरह। पनीर का सब्जी एवरेज था, पूरा गुड नहीं था, एवरेज था। दाल सबसे बेस्ट था। अच्छा, रंगिया स्टेशन के बारे में बता दूँ आप लोगों को, 5 प्लेटफॉर्म है, 83 ट्रेन का हॉल्ट है, 9 ट्रेन ऑरिजिनेट होता है, 9 ट्रेन होता है टर्मिनेट। डिवीजन इसका रंगिया ही है, प्लेटफॉर्म है 5। प्लेटफॉर्म कितना है? 5 डिवीज़न है रंगिया। अभी यहाँ पे इंजन लगेगा,
आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इंजन लगेगा, जॉइंट होगा, उसके बाद यहाँ से 3-15 महीने खुल जाएगा रंगिया से। ये आ रहा है इंजन, अब जॉइंट होगा सिलीगुड़ी WDP4 इंजन। सिलीगुड़ी WDP4 इंजन तैयार करता है। लग चुका है हम लोग का इंजन, अभी छोड़ेगा, जॉइंट कर दिया है नीचे से। तो गाइस हम लोग घुसने वाले हैं टोंगला, इस ट्रेन का दूसरा हॉल गुवाहाटी नहरलगुन 12008 शताब्दी एक्सप्रेस का सेकेंड हॉल टोंगला, 2 मिनट का हॉल रहेगा यहाँ पे। लेवल भी दिया हुआ है 113.14। शाम का बज चुका है 5 और ये आ चुका है हम
पास्ता, एक सैंडविच और एक कचौरी नहीं समोसा। यह है बीकानेरी भुजिया, टमाटो केचप, ये शायद चाय के लिए चाय दिया जाएगा। और ये नोवा का डेरी फीवर, तो ये है अभी का ब्रेकफास्ट। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं रंगापारा नॉर्थ, RPAN स्टेशन कोड रंगापारा नॉर्थ जंक्शन में हम लोग आ चुके हैं एकदम राइट टाइम पे। सिग्नल भी हो चुका है, चाय पीते पीते ब्लॉक कर रहा हूँ। रंगापारा नॉर्थ में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 36 ट्रेन का हॉल्ट है, 4 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होता है और 4 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट भी होता है। नॉर्थ साउंड रेलवे में गिरता है, डिवीज़न है रोंगिया। एंडिंग करते सफ़र यहाँ पे, आखिरी स्टॉप आ चुका है नहरलगुन। अरे फिर आएंगे, मुलाकात होगा। चलिए गाइस आ चुके हैं नहरलगुन स्टेशन। टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, यहाँ से 5 ट्रेन ऑरिजिनेट होता है और 5 ट्रेन टर्मिनेट होता है यहाँ से। बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट जर्नी के तरफ, डोनीपोलो एक्सप्रेस।